इस बात को कोई डिनाई नहीं करा कि असदुद्दीन ओवैसी ने आकर कहा कि स्टेटमेंट को समर्थन नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी ने, ओवैसी साहब ने एक्शन भी तो नहीं लिया ना, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन वो ले सकते थे ना, तो इसलिए सवाल उठता है, इसलिए सवाल उठता है। जल्दी से 20 सेकंड्स, मुझे दूसरे गेस्ट को इस डिस्कशन में इंक्लूड करना है, वारिस पठान प्लीज। जी, तो नुपुर शर्मा के खिलाफ भाजपा ने क्या एक्शन लिया? सिर्फ उनको सस्पेंड किया, सस्पेंशन से काम होता है? इतने करोड़ों दिलों को आहत जिसने पहुंचाया है, उनको आप खाली सस्पेंड करोगे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करोगे? तो हम पहले दिन से मांग कर रहे थे ना, हमको ये नहीं है कि वारिस पठान इस देश की सिटीजन होने के नाते क्या नुपुर शर्मा का ये अधिकार नहीं कि उन्हें प्रॉपर ट्रायल मिले, उनकी बात सुनी जाए? इस देश की कानून व्यवस्था है वो और किसी को ये अधिकार देती है? नुपुर शर्मा को वो अधिकार है आपकी नजर में या नहीं है? उन्होंने जो कहा उसे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा? 10 सेकंड जी, 10 सेकंड में मैं अपनी बात को कंप्लीट कर दूंगा। आदित्य जी, आप मेरी बात सुनिए। नुपुर शर्मा की वजह से पूरा देश को कितना एम्बेरसमेंट उठाना पड़ा आपको पता है ना? जब बात कतार, कुवैत, ईरान वगैरह सबने जब कंडेम किया इस बात को, तब हमारे प्रधानमंत्री ने, भाजपा ने उसको सिर्फ सस्पेंड किया। हमारे जो ऑफिसर्स थे, जो हमारे जन काउंसिल थे, वहां पे सबको बुलाया गया, एम्बेसडर्स को, हमारे एम्बेसडर्स को कितना वहां पे झेलना पड़ा, सब लोगों की तरफ से माफी मांगनी पड़ी, देश का नाम कितना खराब हुआ नुपुर शर्मा की वजह से। मगर क्या सस्पेंशन से काम बनता नहीं? अगर उसी वक्त, मैं, मुझे यकीन है अगर भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी चाहते तो नुपुर शर्मा उसी वक्त, ठीक है, आप प्रधानमंत्री को अटैक कर रहे हैं, बीजेपी को अटैक कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर वारिस पठान में एक बात कहूंगी, यहां पर अगर कोई स्टेटमेंट भारत में दिया गया तो भारतीयों को उससे शिकायत हो सकती है, लेकिन दुनिया की उसमें दखलंदाजी हो, ये मुझे नहीं लगता किसी भारतीय को एक्सेप्टेबल होना चाहिए, और आपको भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। वो तो कतर के, ये आपको भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। अब जवाब लीजिए, जवाब लीजिए, जल्दी 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 जल्दी। सबसे पहले संगीत रागी जी, उसके बाद विजय शंकर तिवारी प्लीज। अब मैंने आपको बहुत वक्त दिया है वारिस, प्लीज जी। देखिए अदिति जी, यदि हम वारिस पठान की बात को हमने देखा कि इतने देर सुनने के बाद उन्होंने सरतन से जुदा जैसी चीजों के बारे में कम बातें की, बिल्किस मानो के बारे में ज्यादा बातें की। हम सब जानते हैं कि बिल्किस मानो का एक डिबेट अलग है। जैसे ही आप बिल्किस मानो को और सरतन से जुदा के बात को, दोनों को जोड़ते हैं, तो आप एक जस्टिफिकेशन थियरी लाते हैं। आप ये बताना चाहते हैं कि सरतन से जुदा जैसी बातें इसलिए होती है क्योंकि इस ढंग की घटनाएं हो रही हैं। बंधु, आपको यदि आप ऐसे करेंगे तो दुनिया, लोग आपसे ये सवाल पूछेगा कि ये सिर्फ यही नहीं है, ये सरतन से जुदा जो है कि मानसिकता जो है वो तो बोको हरम भी करता है, तालिबान भी करता है, मुजाहिदीन लोग भी करते हैं, तो कहां से ये चीजें आ रही है? कहां से ऐसी नफरत की भाषा आ रही है जो एक मानव को, एक व्यक्ति को उसके गले काट देने तक उसको प्रेरित कर रहा है? इस चीज का जवाब जो है वो मुस्लिम समाज को स्वयं देना होगा। मुस्लिम समाज आज स्वयं कटघरे में खड़ा है, और कोई नहीं कटघरे में खड़ा है, वो स्वयं कटघरे में खड़ा, और मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इसके मुखर तौर पर नहीं है जितना मुखर तौर पे उसे होना चाहिए। आप देखेंगे कि से सब कहते हैं कि भाई ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये गैर इस्लामिक है, लेकिन क्या किसी ने आकर के सड़कों पर ये लड़ाई लड़ी क्या? आकर के कहा क्या कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इसका विरोध होना चाहिए? क्या क्या मदरसों में और मस्जिदों से ऐसी आवाजें नहीं उठनी चाहिए थी? ये सवाल लोग पूछेगा कि यदि आप इतने बड़े पैमाने पर ये चीजें, एक पूरा पैटर्न बन रहा है, कोई घटना टर्की में घटती है, स्विट्जरलैंड में घटती है, स्वीडन में घटती है, और उसका इंपैक्ट भारत के अंदर हो जाता है, यहां घर जलाया जाता है, तो सवाल वारिस पठान आपसे ही पूछा जाएगा, आपसे ही पूछा जाएगा कि आप किस प्रकार की नफरत की राजनीति को जन्म दे रहे हैं, किस प्रकार की चीजें आप फैला रहे हैं। जब भी आपके सांसद आकर के बातें करते हैं तो मुसलमानों के बारे में बात करते हैं, मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, देश के नागरिकों के साथ ऐसा हो रहा है ये कभी नहीं कहते, मुसलमानों के साथ, ये कौन सी भाषा है? ये तो भाषा भड़काने वाली ही भाषा है, ये आग लगाने वाली ही भाषा है। और यदि आपके, नुपुर शर्मा के खिलाफ यदि फतवा जारी होता है तो उसमें आपके हाथ भी उतने ही रंगे हैं, खून से सने हैं जितना बाकी लोगों के हैं, क्योंकि आपने उसी भाषा का इस्तेमाल आपने, अच्छा, अच्छा। आपके सांसद ने और आपके अध्यक्ष ने हर जगह किया है।
ठीक जवाब दीजिए वारिस पठान से। वारिस पठान जो संगीत रागी ने कहा उस पर तो जवाब चाहिए ही, साथ ही पहले आप जवाब दीजिए। देखिए संगीत रागी ने बहुत झूठ बात कही कि हमारे सांसद जो हमारे प्रेसिडेंट है पार्टी के, उन्होंने कभी भी कॉल ऑफ फॉर वायलेंस नहीं किया। और हम तो हर पिछड़ा हुआ वर्ग, दलित, मुसलमान, जितने पिछड़े हुए सबके हक की लड़ाई लड़ते हैं। मैं कॉल फॉर वायलेंस का जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं, मगर मैं एक बात बताना चाहूंगा संगीत रागी जी को कि संगीत रागी आप बताइए मुझे, वो जो धर्म संसद के नाम पर कॉल फॉर मुस्लिम जेनोसाइड दिया गया था, क्या वो सही था? वहां पर जो बच्चों को कहा गया था कि बेटा अपने हाथ से कलम छोड़ दे, तलवार उठा ले, मुसलमानों का नरसंहार कर दे, तो कि आपने खंडन किया क्या? आपने खंडन किया क्या? किसी क्या किसी हिंदू संगठन ने रस्तों पे आकर जुलूस निकाला, उस बात का खंडन किया? अरे आप तो वो है, विश्व हिंदू परिषद तो वो है कि जिन्होंने बलात्कारियों को लड्डू खिलाए, फूल हार पिनाए, उनका इस्तकबाल किया, ये तो आप कंडेम करिए ना। आप क्या चाहते हो? जो बलात्कारी बाहर आए बिल्किस बानो गए, चलो मैं तो बोलूंगा उस बात भी, तो मैं तो देश की नारी है ना, बिल्किस बानो देश की नारी है, बिल्किस बानो देश की नारी है ना, पड़ोस की नारी है, बताइए मुझे। एक मिनट दीजिएगा वारिस पठान, मुद्दा खंडन करते हो या नहीं? एक सेकंड, उन्होंने यही कहा था, आप एक और संवेदनशील मुद्दा लाकर एक जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करें, उनकी पहली लाइन यही थी। एक तो आप जस्टिफिकेशन मत दीजिए, दूसरा आपने धर्म संसद का जिक्र किया, एक सेकंड आराम से। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जब आप धर्म संसद की बात करते हैं, आप खुद ये मुझे बताइए कि आप पुलिस एक्शन नहीं हुआ था, क्या FIR नहीं हुई थी, क्या गिरफ्तारी नहीं हुई थी, बताइए क्या क्या हुआ, पुलिस एक्शन चलिए बताइए मुझे। आदि जी 3 दिन के अंदर बाहर आ गए, फिर से उन्होंने बयानबाजी चालू कर दिया, इसको एक्शन बोलते हैं? अच्छा, मोदी जी खामोश है, आप बताइए कि एक्शन क्या होना, आपके हिसाब से एक्शन क्या? अभी आपने कहा कि कोई एक्शन नहीं हुआ, उसके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं हुआ, मोदी जी ने बताइए मुझे। नहीं नहीं, आप कह रहे हैं कि कोई एक्शन नहीं हुआ, मैं आपको बता रही हूँ गिरफ्तारियां हुई, इसको एक्शन गिरफ्तारियां हुई, ये एक्शन है, गिरफ्तारियां हुई। और आप VHP पर आरोप लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने VHP पर आरोप लगा रहे हैं। विजय शंकर तिवारी हमारे साथ है, विजय शंकर तिवारी जवाब देंगे। विजय शंकर तिवारी जी, मैं देता हूँ। अब ये बात कर रहे थे कि वो जेल गए, जेल से बाहर आ गए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अकबरुद्दीन ओवैसी भी जेल गए और अपनी हेट स्पीच के कारण गए, उन पर क्या फांसी की सजा उनको होनी चाहिए थी, क्या होना चाहिए, तो निकल के बाहर आ गए। एक मिनट पठान साहब, एक मिनट, मैं आपको सारी बातें सुनता रहा हूं। और दूसरी बात, आपने अभी बिल्किस बानो वाली बात कही, मैं ऑन एयर पूरे जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि वहां पर एक भी विश्व हिंदू परिषद उनका कार्यकर्ता उस सारे मामले में नहीं था। जो लोग थे उनके परिवार के लोग थे, उनके परिवार के लोग 14 साल बाद अपने परिवार से मिल रहे हैं, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं कह सकते हैं। एक भी व्यक्ति वहां विश्व हिंदू परिषद और विश्व हिंदू परिवार का नहीं था। ये बार बार आप जो बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, मैं कितना कहूं कि आप झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, मैं पठान साहब ये कहना चाहूंगा कि जब नूपुर शर्मा के गला काटने की बात हुई, सर को तन से जुदा करने की बात हुई, उसी समय यह भी घोषणाएं हुई कि इनके साथ बलात्कार होना चाहिए, इनके साथ एक प्रकार का काम होना चाहिए। आप बताइए प्रधान साहब, आप बैठे हैं, ओवैसी साहब बैठे हैं, एक बार भी उन्होंने कहा तन सर की बात तो ठीक है, लेकिन बलात्कार हमारे मामले में ठीक नहीं है? आपके यहां किसी ने कहा? 70-80% आपके प्रवक्ता बार बार उनका समर्थन करते रहे, उस संस्कृति की बात करते हैं आप? एक मिनट, अजमेर में दरगाह चिश्ती में 80% हिंदू जाता है वहां के दर्शन में, लेकिन वहां पर आपको पता है वहां घटना 500 लड़कियों का बलात्कार वहां के माध्यम से हुआ है, वो मामला खुला भी है। उस संस्कृति के लोग हमें पाठ पढ़ाएंगे कि आप क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए? पूरे देश में, दुनिया में यह बदनाम हो गया भारत में एक लड़की को बलात्कार करने की धमकी दी जाती है और लोग उनका सपोर्ट करते हैं, इसलिए भारत बदनाम हुआ देश में। वारिस पठान जल्दी से 30 सेकंड, उसके बाद तौसीफ अहमद खान जल्दी प्लीज। आपने अभी बताया एक बात कि 500 लड़कियों का बलात्कार हुआ, आपके पास कोई पुख्ता सबूत है? अरे सब अखबारों में ढूंढिए, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, पठान साहब सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। यही दरगाह उसमें सम्मिलित था। अरे आप लाइए ना, मैंने आपको बोला है, ऑन एयर बोला है, मैंने जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। मैं भी ऑन एयर ही बोल रहा हूँ। उस समय मामला खुला था, सारे देश में ये मामला चला था, आप जाएंगे तो मिल जाएगा आपको। तो आप मेरे साथ चलिए पुलिस स्टेशन में, हम दोनों मिलकर कार्रवाई करवाएंगे उनके खिलाफ जिन्होंने हमारी माँ बहनों के साथ इस तरह की घिनौनी हरकत की। लेकिन लव जिहाद होता है तो ना वहाँ माँ दिखाई पड़ती है ना बहन दिखाई पड़ती है। देखो सीधे सीधे हाथ में कलावा बांध करके वो माँ होती है, बहन भी होती है और सब कुछ होती है, उसको उठा कर ले जाते हैं, बलात्कार करवाते हैं।